हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किस प्रकार से हमने लेक्चर नंबर 6 में आपको मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हमने वर्किंग रूल को एक्सप्लेन किया था। साथ में आपको वहाँ पर 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सिखाए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जो कि हमारा है एडम्स बैशफोर्थ करेक्टर मैथड। इसमें हम सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और ये भी हमारे पास मल्टी स्टेप मेथड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसे लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एडम्स बैशफोर्थ प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड और मल्टी स्टेप एडम्स मैथड। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.com पर, और आप मेरे ब्लॉग स्पॉट पर भी विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.blogspot.in पर। आपको इन दोनों साइट पर विजिट करने से आपको RGPB के सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे, जो कि फुली सॉल्व्ड है और कंप्यूटराइज है। आइए समझते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। आपको यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी dy/dx = f(x, y)। साथ में आपको एक कंडीशन दी रहेगी, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे इनिशियल कंडीशन। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ x व्हेन द वैल्यू ऑफ r गिवन एज x = x0 और y = y0। और इन कंडीशंस को हम यहाँ पर बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस, राइट। अभी तक हम इस टॉपिक में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 लेक्चर बना चुके हैं और इन सब 6 लेक्चर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए समझते हैं 6 लेक्चर कौन कौन से हमारे पास है। तो पहला मेथड है हमारे पास यूलर मेथड, यानी कि लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 था हमारे पास मॉडिफाइड यूलर मेथड। लेक्चर नंबर 3 है पिकॉर्ड मेथड ऑफ सक्सेस अप्रॉक्सीमेशन। लेक्चर नंबर 4 था टेलर सीरीज मेथड और लेक्चर नंबर 5 था रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर या सिंपली कॉल्ड द आरके मेथड। लेक्चर नंबर 6 है मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड और आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं एडम्स बैशफोर्थ प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड के बारे में। आइए इसका वर्किंग रूल समझते हैं कि इसका वर्किंग रूल हमारे पास किस प्रकार से होता है। तो ये हमारा वर्किंग रूल है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy/dx = f(x, y), जो कि हमारे पास एक लाएगी y डैश की फॉर्म में, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। साथ में आपको इनिशियल कंडीशन दी रहेगी y = y0, x = x0। आपको y की वैल्यू निकालना है गिवन x पर। साथ में चूंकि हमारे पास x पर निकालना, तो हमारी स्टेप नंबर 1 में हम स्टार्टिंग की 4 वैल्यूज़ जो है, 4 वैल्यूज जिसमें हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी है, हम किसी प्रीवियस मेथड से निकालते हैं। चाहे वो हमारे पास टेलर सीरीज हो, पिकॉर्ड सक्सेस अप्रॉक्सीमेशन मेथड हो, चाहे हमारे पास रंगे कुट्टा मेथड हो या यूलर मेथड हो। हम आपको यहाँ पर प्रेफरेंस बोलेंगे कि आप यहाँ पर पिकॉर्ड मेथड या यूलर मेथड या रंगे कुट्टा मेथड से ही निकालिएगा। अगर क्वेश्चन में अगर हमें मेथड का नाम स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो नाम हमें दे रखा होगा हमें उसी नाम से सॉल्व करना होगा। तो ये हमारे पास है पिकॉर्ड सक्सेस अप्रॉक्सीमेशन, यूलर सीरीज या फिर रंगे कुट्टा मेथड। अब चूँकि हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू एटलीस्ट 4 लेनी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास h जो होगा वो x - x0/n, यानी कि xn = x0 + nh होगा। यानी कि हम यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो हमें x1, x2, x3 और x4 मिलेगा। स्टेप नंबर 3 है, अब हम जो भी हम यहाँ पर जो मेथड से हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ पर y1, y2, y3 की वैल्यू हमारे पास होना चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम डेरिवेटिव की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास होगा y0 डैश, y1 डैश, y2 डैश और y3 डैश। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू x0, x1, x2, x3 से y0, y1, y2, y3, जो कि ऑलरेडी या तो क्वेश्चन के में हमें गिवन होगी या इन मेथड्स की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। अब इन्हीं वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग में हम यहाँ पर y0 डैश की वैल्यू भी निकालना स्टार्ट करेंगे, y1 डैश, y2 डैश और y3 डैश की वैल्यू भी निकालेंगे। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर एक टेबल में अरेंज कर देंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सॉल्व कर सकेंगे। तो हम टेबल किस प्रकार से बनाएंगे, तो टेबल हमारे पास होगी x = x0, x1 = x0 + h, x2 होगा x0 + 2h, x3 होगा x0 + 3h और x4 होगा x0 + 4h। y जो कि हमारे पास y0 होगा, y1 होगा, y2 होगा और y3 होगा। इनको हम या तो प्रीवियस मेथड से निकालेंगे या किसी भी वैल्यू या तो हम ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन रहेंगी। अब इन वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो हमें y0 डैश, y2 डैश, y y2 डैश y3 डैश हमें मिलेगा और y4 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर प्रेडिक्टर मेथड से निकालेंगे और फिर उसे रिफाइन करेंगे करेक्टर मेथड की हेल्प से। अब सवाल होता है कि एडम्स बेसफोर्थ का करेक्टर फार्मूला क्या है, तो हमारे पास करेक्टर फार्मूला है, तो ये हमारा जनरल फार्मूला है yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस एच वाई 24 55 बाई एन डैश माइनस 59 बाई डैश एन माइनस 1 प्लस 37 बाई डैश एन माइनस 2 माइनस 9 बाई डैश एन माइनस 3। जैसे हम यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा y4 के लिए, y4 इक्वल टू मिलेगा y3 एच वाई 24 55 बाई 3 डैश माइनस 59 बाई 2 डैश 37 बाई 1 डैश और माइनस 9 बाई डैश नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे और वहाँ से निकालेंगे y4 डैश, वो जो कि हमारे पास होगा f ऑफ x4 y4 इस तरीके से। अब स्टेप नंबर 4 और 5 हमारे पास क्या है, जिस प्रकार से हमने y4 की वैल्यू हमने यहाँ पर करेक्टर फॉर्मूले से निकाली हुई है, वैसे हम y4 की वैल्यू हमने प्रेडिक्टर फॉर्मूले से निकाली हुई है, वैसे हम y4 की वैल्यू करेक्टर फॉर्मूले से भी निकालेंगे। तो करेक्टर फॉर्मूला हमारे पास है, ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है yn प्लस 1 आई बाई एन प्लस एच बाई 24 वाई डैश एन माइनस 2 माइनस वाई डैश एन माइनस 1 19 वाई डैश एन प्लस 9 वाई डैश एन प्लस 1 आई माइनस 1। जैसे हम यहाँ पर आई की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इम्प्रूव वैल्यू मिलेगी जो कि हमारे पास होगी इस तरीके से। तो फर्स्ट इम्प्रूव वैल्यू यानी कि y4 1 5 इक्वल टू y3 प्लस एच वाई 24 वाई डैश 1 माइनस 5 वाई डैश 2 19 वाई 3 डैश माइनस प्लस 9 वाई 4 डैश नॉट। अब इस वैल्यू से फिर से हम y4 डैश 1 निकालेंगे, फिर इसके बाद हम सेकेंड इम्प्रूव वैल्यू निकालेंगे n इक्वल टू 3 और i इक्वल टू रख कर ये होगी। आप देखेंगे फॉर्मूले के अंदर हमारे पास केवल यही वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी और इस वैल्यू को हम यहाँ पर बार बार हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस वैल्यू को तब तक हम रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे पास प्रीवियस 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज इक्वल ना आ जाए। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में हम अपना अप्रॉक्सीमेशन स्टॉप कर देंगे। तो कंटिन्यू लाइक दिस प्रोसेस अंटिल 2 कॉन्जिक्यूटिव अप्रॉक्सीमेशन आर इक्वल एट डिजायर प्लेस ऑफ डेसिमल। तो हमने मान लिया है कि y4 3 और y4 2 हमारे इक्वल आ चुके हैं जो कि हमारा y4 होगा, यही मेरे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन कहलाएगा x4 पर। ओके, तो दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y एट गिवन x। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक मैं कुछ बुक्स पब्लिश कर चुका हूँ, लगभग 18 बुक्स हमारे पास हैं। तो ये मेरी बुक्स हैं कुछ जो कि मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर भी बुक्स हैं जो कि 1 2 3 हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर बिजनेस मैथमेटिक्स भी हैं फॉर BCA स्टूडेंट्स के लिए, BSc के लिए है, डिफरेंशियल इक्वेशन, फार्मेसी के बच्चों के लिए एडवांस मैथमेटिक्स, और कुछ मेरी हिंदी में भी बुक्स पब्लिश हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक मेरी हिंदी में भी पब्लिश्ड है। आप ये बुक्स ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और आपके जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटिव यानी कि न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड अगर आप बुक्स चाहते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली बुक अपनी पब्लिश करी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की, वो आप बुक परचेस कर सकते हैं। ये आपको www.dhanpatraibuks.com से मिलेगी। आप इसे ऑनलाइन परचेस करें। 4 और 5 बिजनेस डेज में यानी कि 1 वीक में आपको बुक आपको घर पर मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपसे कोई बताना चाहूँगा कि यदि आपको इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे फर्दर मोर वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे पास आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ एडम बेसफोर्थ प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड टू फाइंड y ऑफ 1.4 गिवन दैट dy/dx इक्वल टू xy विथ इनिशियल कंडीशन y1 इक्वल टू 1। साथ में कुछ आपको वैल्यूज रखी है, y ऑफ 1.1 इक्वल टू 1.1107, y ऑफ 1.2 इक्वल टू 1.2461 और y ऑफ 1.3 इक्वल टू 1.4120। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो हम y डैश के इक्वल लेके चलेंगे। आपको x इक्वल टू 1.4 पर आंसर निकालना और साथ में आपको स्टार्टिंग 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर डायरेक्ट हमारी जो वैल्यू होगी हम टेबुलेशन फॉर्म में अरेंज करेंगे और एडम्स प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड को अप्लाई करेंगे। आइए देखें किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई डैश, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। आपकी इनिशियल कंडीशन दे रखी है वाई नॉट इक्वल टू 1 और एक्स नॉट इक्वल टू 1। साथ में आप देखेंगे हमें क्वेश्चन में हमें एच की वैल्यू भी हमें गिवन है, क्यों है? क्योंकि आपको पहले 1.1 दिया है, 1.2 दिया, 1.3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई नॉट इक्वल टू 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 1.4 और आपको एच भी क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। चूँकि हमें क्वेश्चन में एक्स गिवन है तो हम यहाँ पर एन निकाल लेंगे। तो n हमारे पास आएगा 1.4 माइनस 1/0.1 यानी कि 4, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में 4 अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करने हैं। तो हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी x1, x2, x3 और x4 की। तो x1 हमारे पास होगा 1.1, x2 हमारे पास होगा 1.2, x3 होगा 1.3 और x4 होगा 1.4। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट 4 इटरेटिव वैल्यूज़ हमें यहाँ पर टेबुलेशन फॉर्म में अरेंज कर देना है। तो टेबुलेशन फॉर्म में अरेंज करेंगे कुछ इस प्रकार से हम अरेंज करेंगे। अब अरेंज करने के लिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हमने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद हम यहाँ पर अब डेरिवेटिव की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव वैल्यूज़ फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स इंटू वाई। तो हम पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज एक्स इंटू वाई। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1.1। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो हमें 1 ही मिलेगी। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास कितनी है? तो मैंने 1.1 रखा, इक्वल टू प्रेस किया, 1.1107 प्रेस किया तो आपकी वैल्यू आएगी 1.22177। तो ये हमारे पास 1.22177 आ गई। अब हम यहाँ पर y2 डैश निकालेंगे। तो फिर से हमने x2 हमारे पास है 1.2, नेक्स्ट हमारे पास है 1.2461, तो 1.49532 मिला हमें। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 1.3, देन 1.4120, तो आपको मिलेगा 1.8356। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में आपको, इसलिए मैं कैलसी से भी सॉल्व करके दिखाते जा रहा हूँ कि क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आइए इस टेबल को फिर से हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमें फर्दर वैल्यू को सॉल्व करना है। तो अब हम अप्लाई कर रहे हैं अपना x4 की वैल्यू हमारे पास रहेगी 1.4 और हमारे पास मिलने प्रेडिक्टर फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो मिलने प्रेडिक्टर फॉर्मूला हमारे पास है एन इक्वल टू 3 के लिए y4 इक्वल टू y3 प्लस एच वाई 2455 y3 डैश माइनस 59 y2 डैश प्लस 37 y1 डैश माइनस 9 y नॉट डैश। तो अब हम इसमें अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y3 हमारे पास कितना है? 1.8356 प्लस h हमारे पास है 0.1, देन 24 हम यहाँ पर लिखें, देन ब्रैकेट ओपन करें हम, तो 55 इंटू y3 डैश। y3 डैश मेरे पास 1.8356 है माइनस 59 इंटू y2 डैश है 1.49532 प्लस 37 इंटू y1 डैश यानी कि 1.22177 माइनस 9 y नॉट मेरे पास है 1। तो आपको वैल्यू मिल रही है इंटू हमें करना है कितने का? 2.09 हमें वैल्यू मिलेगी। एक बार चेक कर लें, कुछ हमारी मिस्टेक आ रही है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास वैल्यू है, दिस इज़ 1.4120 प्लस h हमारे पास है 0.1 डिवाइड में हमारे पास वैल्यू है 24, देन ब्रैकेट ओपन करें हम 55 इंटू 1.8356 माइनस 59 इंटू 1.49532 प्लस 37 इंटू 1.22177 माइनस 9 इंटू 1। ओके, हाँ, 1.6159 हमें मिल रही है, तो हमारी वैल्यू करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे? इस y4 से निकालेंगे अपना y4 डैश। तो y4 डैश हमारे पास क्या होगा? x4 इंटू y4 क्योंकि हमारा फंक्शन है x4 इंटू y4 हमने रखा तो हमारे पास कितना है 2.2622। अब हम क्या करेंगे करेक्टर फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा करेक्टर फार्मूला होगा एट बाय एडम्स बेस्टफोर्थ करेक्टर फार्मूला फॉर एन इक्वल टू 3 तो जो कि हमारे पास होगा y4 इक्वल टू y3 प्लस h बाई 24 बाई 1 डैश माइनस 5 बाई 2 डैश प्लस 19 बाई 3 डैश प्लस 9 बाई 4 डैश। आप देखेंगे ये वैल्यू हमारे पास बार बार हमारी चेंज होती रहती है तो हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला अपना तैयार कर लेते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा। तो ये हमारे पास y3 हमको है 1.4120 प्लस h हमारे पास होगा 0.1 देन 24 देन ब्रैकेट ओपन करें y1 डैश y1 डैश है 1.22177 माइनस 5 y2 डैश 1.49532 प्लस 19 इंटू y3 डैश 1.8356 प्लस 9 y4 नॉट डैश तो y4 नॉट डैश के हम यहाँ पे केवल y लिख देते हैं। यहाँ पे मैं y लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया। अब y हमारे पास कितना मिला है दिस इज अ y 2.2622 तो हमको वैल्यू मिलना चाहिए लाइक दिस 1.6160 तो देखें तो 1.6160 मिली। अब फिर से हम निकालेंगे y4 डैश 1 तो y4 डैश 1 हमारे पास क्या होगा 2.2624। हमारे पास सेकंड इम्प्रूव वैल्यू हमारे पास क्या होगी 9y4 डैश 1 यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर अब वैल्यू रख देंगे हम दिस इज 2.2624 आपको कौन सा मिलना चाहिए 1.6160 जो कि हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि ये जो y4 2 जो है हमारे पास y4 1 से मैच कर रहा है तो अब यहाँ पर हमारा अप्रॉक्सीमेशन हम आगे फर्दर मूव नहीं करना है। क्लियरली y4 2 इक्वल टू y4 1 विच इज़ 1.6160 जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन कहलाएगा x4 पर और x4 हमारे पास 1.4 है तो फाइनली हमको सोल्यूशन मिल गया y 1.4 इक्वल टू 1.6160। ओके तो डियर फ्रेंड किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछें, आपकी क्वेरी जल्द से जल्द को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या है यूज एडम बेस्टफोर्थ प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड टू फाइंड वाई ऑफ 1.4 गिवन दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई वाई ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो आपको इसमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है वाई ऑफ 1 इक्वल टू 1 और साथ में हमें कुछ और वैल्यू दे रखी है वाई ऑफ 1.1 इतना वाई ऑफ 1.2 1.548 और वाई ऑफ 1.3 इक्वल टू 1.979। तो ये आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमें काम करना है और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई विथ इनिशियल कंडीशन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 एक्स नॉट इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आपको दे रखी है 1.4 और h आपको दे रखा है 0.1। क्यों क्वेश्चन में आपको वैल्यूज इस प्रकार से गिवन है तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है वो 0.1 का आपको मिल रहा है। अब आपके पास h आपके पास है x आपके पास है x नॉट आपके पास है तो यहाँ पर हमें n फाइंड आउट करना होगा। तो n हमारे पास होगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच जो कि हमें मिल रहा है 4 जो कि हमें n की वैल्यू 4 फाइंड आउट हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमें 4 अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने होंगे। तो इनके लिए हमें x1 की रिक्वायरमेंट होगी तो x1 हमें मिल रहा है 1.1 x2 हमारे पास है 1.2 x3 हमारे पास है 1.3 और x4 हमारे पास है 1.4। अब क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग 3 वैल्यूज़ गिवन है तो हमें केवल इन वैल्यूज़ को हमें टेबुलेशन फॉर्म में अरेंज करना है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें y डैश की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना रहेगा। तो हमने वैल्यू को टेबल में अरेंज किया x नॉट है 1 x1 हमारे पास 1.1 है x2 हमारा 1.2 है x3 हमारे पास 1.3 है y की वैल्यू हमारे पास y नॉट की वैल्यू 1 है y1 की वैल्यू मेरे पास 1.233 है y3 की वैल्यू मेरे पास 1.548 है और y3 की वैल्यू मेरे पास 1.979 है। अब हम क्या करेंगे इसको कैलसी के हेल्प से हम यहाँ पर इनके डेरिवेटिव के वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आप पहले इस इक्वेशन को फॉर्मूले में फीड करेंगे। तो हमारे पास पहले क्या लिखा हुआ एक्स, तो यहाँ पर हमने एक्स लिखा, स्क्वायर प्रेस किया, 1 प्लस वाई लिखा हमने, ब्रैकेट क्लोज किया। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है 1 1, यानी कि हम यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे 1, y की वैल्यू लिखेंगे तो हमको ये 2 मिलेगा। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आ गई 2। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है 1.1, देन 1.233, तो आपको मिलेगा 2.701393। ओके, नेक्स्ट मेरी वैल्यू है 1.2, देन 1.4548, तो ये वैल्यू मिलेगी 3.6912। नेक्स्ट 1.3 एंड 1.979, तो आपको मिलेगी 5.03451। तो ये हमने अपनी टेबल यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। अब हम इस टेबल की हेल्प से अपने पास प्रिडिक्टर फॉर्मूले और करेक्टर फॉर्मूले से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस टेबल को हम एज इट इज रहने देते हैं। अब x इक्वल टू हमारे पास 1.4 है, क्योंकि ये हमारे पास x4 कहलाएगा। दिस कॉल्ड द x4, ओके, दिस कॉल्ड द x4, राइट। अब हमारे पास एडम्स प्रिडिक्टर फॉर्मूला हमारे पास n = 3 के लिए हम लिखेंगे, यानी कि y4 = y3 + h/24, 55/3 - 59, y2 - 37, y1 - 9, y4 y0 हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम रख देंगे। और वैल्यू को रखने के बाद हमारा कैलकुलेशन जो मिलेगा 2.57229 मिलेगा। अब इस y4 से हम यहाँ पर निकालेंगे अपना y4 डैश, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखना पड़ेगी। तो ये होगा x4 का स्क्वायर 1 प्लस y4, तो x4 हमारे पास है 1.4, 1 प्लस y4 हमने निकाला हुआ है, लाइक दिस इज 2.57229, तो जो कि हमें मिल रहा है 7.0016। अब हम अप्लाई करेंगे एडम्स बेस्फोर्थ करेक्टर फार्मूला फॉर n = 3 के लिए। तो ये मेरे पास करेक्टर फार्मूला है। अब इस करेक्टर फार्मूले में केवल हमारे पास ये वैल्यू ही चेंज होती रहती है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर अपने कैलसी में फीड कर लेते हैं। नाउ दिस इज y3 मेरे पास कितना दिया हुआ है 1.979, 1.979 प्लस h मेरे पास है 0.1, डिवाइड में हमें 24 लेना पड़ेगा, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, y1 डैश लिखेंगे 2.70193 माइनस 5, y2 डैश लिखेंगे 3.66912 प्लस 19 इंटू y3 डैश 5.03451 प्लस 9, और यहाँ पर हम y की वैल्यू को रख देंगे। अब हमारे पास पहली y की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है 7.0016, तो हमको मिलना चाहिए 2.57494। तो देखें, तो आपको मिल रहा है 2.57494। अब इस y41 के कॉरस्पॉन्डिंग में निकालेंगे y41 डैश, तो y41 डैश हमारे पास कितना आ रहा है 7.00688, तो इस वैल्यू को फिर से यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 7.00688, तो आपको मिलेगा 2.5751। 2 डेसिमल हमारे मैच कर रहे हैं, तो फिर हमें एक अप्रोक्सीमेशन और निकालना होगा। तो हम यहाँ पे y4-2 निकालेंगे, तो y4-2 हमारे पास आ रहा है 7.00727। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दें, तो 7.00727, तो आपके पास आ गया 2.571, यानी कि हमारे पास पांचों डेसिमल यहाँ पर मैच हो रहे हैं। ये भी मैच हो रहा है हमारे पास, और आपका ये भी मैच हो रहा है हमारे पास। तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो 2.5751 होगा, जो कि x4 = 1.4 पर निकाला जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 हुआ। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में। प्रॉब्लम नंबर 3 में हम ऐसे मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें स्टार्टिंग 3 वैल्यूज जो है किसी और मेथड से निकालनी होगी, और उसके बाद हम फर्दर अपना अप्लाई करेंगे अपना करेक्टर प्रिडिक्टर मेथड को। तो आइए देखें हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई ऑफ 0.1, 0.2, 0.3 यूजिंग पिकॉर्ड अप्रोक्सीमेशन मेथड। आप देखेंगे कि यहाँ पर मेथड का नाम यहाँ पर स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है, जो कि पिकॉर्ड अप्रोक्सीमेशन मेथड है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई नॉट इक्वल टू 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई 0.4 बाय एडम्स बेशफोर्थ प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। तो आइए समझते हैं कि कैसे स्टार्टिंग 3 वैल्यूज हम पिकॉर्ड मेथड से निकालेंगे। और यदि आपको पिकॉर्ड मेथड भी समझना है तो आप लेक्चर नंबर 3 जो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है उसको आप विजिट करें और पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई विथ वाई डैश, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। दिस इज द वाई नॉट की वैल्यू 1 है और एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास 0 है, ओके। एक्स आपको दे रखा है 0.4 और एच आपके पास है 0.1, क्यों? क्योंकि आपके पास डिफरेंस जो है 0.1 का हमें दिखाई दे रहा है। तो आप क्वेश्चन में ऐसे एच की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर एन की वैल्यू 4 लेके चलेंगे और फिर आपको एच निकालना होगा। तो वह 0.4 आपको एक्स दिया हुआ है, 0.4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो यहाँ पर हमें x1, x2, x3 और x4 की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हमारे पास है लाइक इस प्रकार से। और नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y1, y2, y3 बाय पिकॉर्ड सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू x1 इक्वल टू 0.1, x2 इक्वल टू 0.2 और x3 इक्वल टू 0.3। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। तो हमारा y1 होगा टेलर सीरीज के पिकॉर्ड मेथड के अकॉर्डिंग y1 इक्वल टू वाई नॉट इंटीग्रल एक्स 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई नॉट। एक्स वाई नॉट हमारे पास कितना है? 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 रखा, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे को वैल्यू मिली 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारे पास y1 की वैल्यू हो गई। इस y1 में हम यहाँ पर x इक्वल टू 0.1 रखेंगे पहले, लेकिन हम तीनों अप्रॉक्सीमेशन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन है y2 इक्वल टू वाई नॉट एक्स 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स y1। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास सॉल्व करेंगे इसको हम, तो हमको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू बाई 6। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन है y0 इंटीग्रल एक्स 0 टू एक्स एक्स वाई2 1 प्लस 0 टू एक्स एक्स प्लस वाई2। वाई2 की वैल्यू मेरे पास ये है तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, इसको इंटीग्रेट किया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 में 2 में रखेंगे 0.1, 3 में रखेंगे 0.2 और 4 में रखेंगे 0.3। तो जैसे हम 0.1 रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में तो हमको मिलेगा 1.105, सेकेंड में रखेंगे तो 1.2413 और थर्ड में रखेंगे तो 1.3993 मिलेगा। तो ये हमने इस तरीके से सीखा कि किस प्रकार से हम यहाँ पर स्टार्टिंग 3 वैल्यूज़ हम यहाँ पर पिकॉर्ड मेथड के हेल्प से निकाले। अब फर्दर हमें जो y4 निकालना है तो पहले हम प्रिडिक्टर फॉर्मूले से y4 निकालेंगे, फिर करेक्टर फॉर्मूले से उसको रिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर अपनी टेबल हम यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर y1 y नॉट डैश निकालेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 मिलेगा हमें, 0.1 को 1.105 से ऐड करेंगे तो 1.205 मिलेगा, 0.2 को 1.2413 से करेंगे तो 1.4413 मिलेगा और 0.3 को 1.3993 से करेंगे तो 1.6993 मिलेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन है वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अब अप्लाई करते हैं प्रिडिक्टर फार्मूला फॉर एन इक्वल टू 3। तो एन इक्वल टू 3 के लिए हमने प्रिडिक्टर फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास सारी वैल्यू है, y3 डैश भी है, y2 डैश भी है, y1 डैश भी है, y नॉट डैश भी है। इन वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिला है 1.42546। अब इस y4 से हम निकालेंगे y4 डैश निकालेंगे तो हमारे पास होगा x4 y प्लस y4 जो कि हमें मिलेगा 1.8246। अब यहाँ अप्लाई करेंगे एडम्स करेक्टर फार्मूला फॉर एन इक्वल टू 3। तो हमारी फर्स्ट इम्प्रूव वैल्यू होगी हमारे पास, ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर आप रखते आइए तो हमारे पास मिलेगा 1.205। अब इन सबको हम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर मिल रहा है 1.4192। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर फिर से रखेंगे, y4-1 निकालेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपके पास आएगा 1.8192। करेक्टर फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे, केवल एक की वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है, ओके, एक की वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1.4190। आप देख रहे हैं हमारे पास है कि अभी हमारी वैल्यू मैचिंग में नहीं आई है तो हमें y4-2 निकालना पड़ेगा, 1.8190 मिला, y43 मिलेगा हमारे पास 1.4190। तो हमने देखा कि हमारी वैल्यू यहाँ मैचिंग में आ गई है, तो अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन कहलाएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन x4 इक्वल टू 0.4 पर। तो डे फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस प्रकार से यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए हैं डिफरेंट टाइप के। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लेके आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक परचेस कर सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर आपको कुछ सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम दे रखे विथ आंसर, प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आप मेरी बुक परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन www.dhanpatraibooks.com से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।